आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एक्सेल के ऊपर डेटा समराइजेशन फॉर्मूला। डेटा समराइजेशन फॉर्मूला में हम सब शुरुआत करेंगे समिप से। जैसे कि डेटा आपके सामने दिख रहा है, मुझे मान लीजिए कि इसमें से सिर्फ पूजा का टोटल चाहिए, मुझे ओनली फॉर पूजा का टोटल चाहिए। ओके तो पूजा की टोटल के लिए हम यहाँ पे पूजा लिखते हैं, और एक तो होता है सम जो जनरली ओवरऑल सम कर देता है। ये छोटी सी फॉर्मूला है, तो आप जनरली सबको आता ही है, आपको भी आता ही है, लेकिन राइट राइट सम विद कंडीशन, मुझे इस वजह से पूजा का ही टोटल, तो उसके लिए लगाते हैं फॉर्मूला सम इफ का। सम इफ, अब सम इफ के तीन है रेंज, मतलब किसमें पूजा को ढूंढना है। तो एक रेंज क्राइटेरिया क्या क्राइटेरिया में कौन सा है, तो पूजा है। फिर आता है सम रेंज, अच्छा किसके अंदर टोटल चाहिए, तो हमने बोला डी के अंदर। एंटर प्रेस किया तो आप देखिए 26 हाई जितना ही रहता पूजा है, का सम था सब जोड़ दिया ठीक है। मैं जी। एक बार दोबारा बता, जैसे मान लीजिए मुझे देव का टोटल चाहिए, तो यहां पे हम इक्वल सम इफ रेंज, रेंज सिलेक्ट किया करेक्ट देव को सिलेक्ट किया, जिसका टोटल चाहिए वो सिलेक्ट किया। यहाँ पे 0 आया क्योंकि छोटा सा ये पड़ गया था, आ गया, तो एग्जैक्ट मैच कर रहा है, ठीक है। जी अब इसमें क्वेश्चन आता है, मुझे देव का टोटल नहीं चाहिए, मुझे ग्रेटर देन 50 की क्वांटिटी का सम चाहिए, ठीक है। ओके मतलब कि मान लीजिए कि 50 से ऊपर के जो सेल हुई है उस पर हमें कमीशन देना है, तो पता करना है कि ओवरऑल कितना कमीशन है। तो यहां हम लगाएंगे सम का फॉर्मूला सेम, और हम यहाँ क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे और हमारा रेंज को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सम रेंज स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो नियम ये है कि अगर सम रेंज और क्राइटेरिया रेंज दोनों एक ही है तो सम ओके देने की जरूरत नहीं है। मतलब कि अच्छा रेंज और सम रेंज जब हमें तो क्वांटिटी 50 को मैच करना है, करेक्ट उसी को सम करना है, तो सम रेंज देने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट सम कर देगा। तो आपको यहाँ पे ग्रेटर देन 50 या लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू यूज कर सकते हैं। मैं सेम क्राइटेरिया फॉलो होगा ठीक इसमें क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह के नंबर्स हैं, तो इस पे सम करेंगे तो सिर्फ 60 का ही सम करेगा, इसके साथ जो है एक ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का साइन, जो लॉजिकल साइन है वो होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम में होता है कि जब बहुत सारा डेटा होता है तो लॉजिकल साइन देना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है यहाँ पे, तो हम फॉर्मूले के अंदर कॉनकेट कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे हम देते हैं यहाँ पे सम इफ, हमने रेंज ले लिया और क्राइटेरिया ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसके साथ कॉनकेट सेलेक्ट कर लिया 60 को, ठीक है। कॉन्केट का फॉर्मूला तो लगाया नहीं। अच्छा हमने एन परसेंट का साइन दिया ना, एन परसेंट कॉनकेट ही तो होता है, ठीक है ठीक है, क्लियर है। क्लियर अब इसमें एक चीज और भी आती है, जैसे कि अगर मैं पूजा का टोटल निकाला तो आप देख पा रहे हैं कि पूजा जो है हमारे डेटा में कहीं भी पूजा है, कहीं भी पूजा सिंह है। ओके तो यहां पे मैंने रेंज ले लिया नेम का, क्राइटेरिया पूजा, और सम रेंज हमारा क्वांटिटी आ जाता है, राइट। पहले वाला करेक्ट पहले की अच्छा तरह जो लेकिन इसमें अगर मैं स्टार लगा देता हूँ दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, कंटेंट है पूजा वही है हाँ कंटिन्यू, मतलब ये पूजा किसी के साथ हो, अलग हो, साथ में हो, उससे कोई फर्क नहीं। तो याद रखिएगा, पूजा में इकट्ठा रखू या पूजा, यहाँ अभी जो हो गया ये हो गया एंड विथ पूजा। अगर मैंने यहां पे लास्ट में स्टार छोड़ा तो जाता है स्टार्ट विथ पूजा, कि पूजा के बाद चाहे जो भी हो,
बस पूजा होना चाहिए। ओके अगर मान लीजिए कि यहां पे मुझे दो डिजिट का कोड है, जैसे कि A1, A3, A9, तो क्या होता है कि ये हमारे वेंडर कोड है मान लीजिए, बट हमें इसका कोड कुछ भी हो सकता है, इतना पता है कि दो डिजिट का है, ठीक है। तो यहां पे हम दो बार क्वेश्चन मार्क डालेंगे, दो बार क्वेश्चन मार्क डालेंगे और फिर यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला सम इफ का। सम इफ, हमने रेंज को सिलेक्ट किया, सॉरी माफ कीजिएगा, हमने सम रेंज सिलेक्ट कर लिया, रेंज क्राइटेरिया सम रेंज, एंटर, रिजल्ट आपके सामने। तो A1 A3 का सम आ गया। जी हाँ, अब ऐसे तीन क्वेश्चन मार्क कर देंगे तो तीन का आएगा, देव का फिर आएगा। जी, ओके यार जीके भी है ना सर, जीको के भी ले लिया इसने, अच्छा इसलिए ज्यादा आ रहा है। ठीक है, हाँ अब इसमें क्वेश्चन आता है अगला, कि जब मेरे पास दो कंडीशन हो, मान लीजिए मुझे पूजा एम यू जेड का चाहिए, पूजा एम यू जेड का चाहिए, दो से ज्यादा कंडीशन, जब आपके पास दो से ज्यादा कंडीशन होगा तो हम यूज करेंगे यहां पे सम इफ्स का। क्या यूज करेंगे? सम इफ्स का। तो सम इफ और सम इफ्स में हम लेते हैं, अभी इसमें थोड़ा उल्टा होता है, कितना होता है पहले रेंज, सम रेंज इसको सम करना है, तो डी कॉलम को सम करना है, कहता है क्राइटेरिया वन जो कि नेम है, देन क्राइटेरिया टू जो कि हमारे एम यूजर है, ऐसे 3 4 5 6 7 बढ़ता जाएगा। ओके, हमने प्रेस किया, आपके सामने तो पूजा मुजफ्फरपुर जितना सब आ गया, ठीक है, जितना पूजा मुजफ्फरपुर सब आ गया इसमें। जी जी जी। तो अब इसमें इस सम इफ फॉर्मूले के अंदर भी ये सारा कंडीशन आप लगा सकते हैं, सारा कंडीशन, क्लियर है? क्लियर है सर। तो सम करना सीख गए, सम विद कंडीशंस, वन एंड मल्टीपल दोनों, ठीक है। चलिए सम के बारे में बात करते हैं एवरेज का। देखिए एवरेज के भी कई फॉर्मूले, पहला है एवरेज और एक है एवरेज ए, ठीक है, दो फॉर्मूले जानिए। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 10 10 यहाँ पे 10 10 कर दिया, तो एवरेज फॉर्मूला इसका एवरेज 10 निकाल लेगा, क्या सम द वैल्यू डिवाइड बाई काउंट ऑफ द वैल्यू। अगर बीच में मैंने कहीं पर ब्लैंक कर दिया तो उसको कंसिडर नहीं करेगा, ट्रू फॉल्स कर दिया तो उसको भी कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन 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 अगर मैं यूज करता हूं एवरेज ए, एवरेज ए, तो एवरेज ए में ब्लैंक कंसिडर नहीं होगा, ठीक है, बट ट्रू फॉल्स को कंसिडर करेगा। तो अभी इसने क्या किया, 61 divided by 7, समझे? ट्रू एवरेज वाला नहीं समझ में आया, समझे? नहीं नहीं समझ में आया सर, एवरेज सर, एवरेज हो गया, एवरेज में ट्रू, एवरेज सिंपल होता है सम ऑफ द वैल्यू डिवाइड बाई काउंट ऑफ द वैल्यू, ये होता है ना, हाँ करेक्ट। तो एवरेज नॉर्मली इसी पैटर्न को फॉलो करता है, लेकिन ये जो है आपका ब्लैंक और ट्रू फॉल्स को कंसीडर नहीं करता है,
अच्छा बीच में अगर टेक्स्ट है तब भी एवरेज निकाल देगा। नहीं टैक्स को भी कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है? नहीं मतलब कहने मतलब हैशटैग एनए आना चाहिए ना वहां पे, मतलब फॉर्मूला काम नहीं करना चाहिए ना अगर नहीं टेक्स्ट। समझे, नहीं समझे। ट्रू फॉल्स ब्लैंक टेक्स्ट को इग्नोर करता है। हाँ अच्छा एरर होगा तो एरर देगा, ठीक है? ठीक है। लेकिन जो दूसरा फॉर्मूला है ना सर, एवरेज ए, वो ट्रू फॉल्स और टेक्स्ट दोनों को कंसीडर करता है। ओके इसने ट्रू को 1 लिया, मतलब कि इसने जब देखे 8.7 जो रिजल्ट दिया ना सर, क्या किया, 61 डिवाइड बाय 7 कर दिया। इसने ओके सिर्फ 1 मारा, क्योंकि इसको कम करेंगे तो 60 है ना सर, देखिए 60 है ना, अकाउंट 7 है, और 2 को इसने 1 किया। आप देखेंगे कि इसने 61 डिवाइड बाय 7 किया और रिजल्ट आपके सामने आ गया। हाँ अगर कोई टैक्स लेते हैं तो वो भी टैक्स के हिसाब से वो भी लेता है, और जल देता है टैक्स को भी कंसीडर कर लेता है, राइट सर? अब बात आती है एवरेज विद कंडीशन, कि पूजा ने 2658 का जो सेल किया, इसका एवरेज पर हेड सेल क्या है, समझे? पूजा की जितनी काउंट होगा वो काउंट और सम में डिवाइड करने के एवरेज आ जाएगा। पहले हम वो ऐसे ही करते थे, लेकिन 2013 से हमारे पास नया फॉर्मूला एवरेज इफ का, एवरेज इफ, राइट? हाँ इसमें हमारे पास आता है रेंज, सेम जस्ट लाइक सम इफ, कि रेंज क्राइटेरिया एंड सम रेंज, ऐसे एवरेज रेंज, ये आपका एवरेज निकल के आ गया। बट इसका डिफरेंस समझ में नहीं आया सर। एवरेज 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 तो जैसे सम और एवरेज होते हैं, सम होता है उसे एवरेज होता है, किसका डिफरेंस, क्या डिफरेंस बोल रहे हैं आप? समझ में आ गया। ये पूरा एवरेज निकाल दिया, ये सिर्फ पूजा पूजा जितना का सम किया सब का एवरेज निकाल दिया। हाँ क्या समझ में नहीं आया आपको? ठीक नहीं समझ में आ गया। है चलिए आगे बढ़े। तो मतलब हाँ ए जो हुआ, ए तो देखिए एवरेज क्या हुआ, एवरेज हुआ, राइट? और राइट एवरेज इफ जो हुआ वो हुआ एवरेज विद कंडीशंस, कि करेक्ट ओवरऑल करेक्ट डेटा में से जस्ट पूजा का ही एवरेज निकाल, जैसे वो पूजा का सम करेक्ट निकाला था। करेक्ट समझ में आ गया। करेक्ट और एवरेज इफ फॉर्मूले में भी ये सारा कंडीशंस इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने ठीक है सम की। क्लियर क्लियर। और जब मल्टीपल कंडीशन हो कि मुझे पूजा का MUZ के अंदर जो है एवरेज चाहिए, तो यहां पे हम एवरेज इफ्स का इस्तेमाल करें। एवरेज इफ्स यहां होता है, तो यहां पे एवरेज रेंज जस्ट लाइक सम इफ्स, कि मुझे एवरेज क्वांटिटी का चाहिए। और आता है क्राइटेरिया 1, तो पहली क्राइटेरिया जो है हमारा है नेम, और यहां पे हमने क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया। दूसरी क्राइटेरिया रेंज है सिटी, और यहां से सिटी सिलेक्ट कर लिया। ऐसे तीसरी चौथी पांचवी छठी आप लेके जा सकते हैं, राइट? ओके तो एवरेज का फॉर्मूला हमें निकाला। अब बात करते हैं काउंट का, तो काउंट के भी कुछ फॉर्मूले हैं। पहला है काउंट। काउंट क्या करता है, आपके अंदर जितने भी सेल्स फिल है, जो कि नंबर से फिल है, उसका काउंट देता है, ठीक है? ठीक है। ब्लैंक को कंसीडर नहीं करेगा। फिर आता है एम1 काउंट ए। काउंट ए क्या करता है कि फील्ड में नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। नाइन आ गया, इसे ट्रू को काउंट कर लिया, इसे ट्रू को काउंट नहीं किया, ट्रू को इसे टेक्स्ट समझा, काउंट ए। और काउंट ए ने सबको काउंट कर लिया, काउंट ऑल। तीसरा जो आता है वो आता है काउंट ब्लैंक, जो कि सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है, और जितने भी सेल ब्लैंक होंगे तो बताएगा कितना सेल ब्लैंक है। क्लियर तो ये फिक्स कंडीशंस है। करेक्ट। अब इसमें बात आती है कि काउंट विद कंडीशन, कि मैं पूजा का काउंट चाहिए, 2658 कितने बिल में हुआ है, ठीक है? ठीक है सर।
यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला काउंट इफ का, काउंट इफ में रेंज एंड क्राइटेरिया, ये आपको क्या काउंट दे दिया? ठीक है, 54 बाई 54 टाइम्स पूजा है, ये दिखाया ना सर। जी, अब इसमें अगला जो टॉपिक है वो है कि काउंट इफ्स में भी ये सारे कंडीशंस का कंडीशंस का। तो यहां पे हम बात करते हैं मल्टीपल कंडीशन में हम यूज करेंगे काउंट सॉरी सर। तो यहां पे हम लेंगे काउंट इफ्स और यहां पे हम देंगे क्राइटेरिया रेंज वन, पहली रेंज, फिर क्राइटेरिया, दूसरी क्राइटेरिया रेंज एंड दूसरी क्राइटेरिया। आया रेंज सर? हाँ और इस पे भी ये सारी कंडीशन को अप्लाई कर सकते, ठीक है। ठीक अब काउंट के बाद हम बात करते हैं मैक्स की। अगर आपको पता करना है कि इसके अंदर मैक्सिमम इसके अंदर टोटल मैक्सिमम क्या है, ये आपकी मैक्सिमम दे देगा, ये भी ब्लैंक को और एक होता है मैक्स ए। मैक्स ए मतलब मैक्स ऑफ, तो जो मैक्स है वो आपका ट्रू फॉल्स को कंसीडर नहीं करता है, और जो मैक्स ए फॉर्मूला है ट्रू को वन एंड फॉल्स को जीरो कंसीडर करता है। लेकिन मैक्स विद कंडीशंस तो यहां पे हम लगाएंगे। अब देखिए यहां पे मैक्स इफ का नहीं है सर, डायरेक्ट मैक्स इफ्स का है, मैक्स इफ्स। तो मैक्स इफ्स में आता है मैक्स रेंज, मैक्स रेंज कि आपका किसका मैक्सिमम चाहिए, फिर क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया टू रेंज एंड क्राइटेरिया थ्री। ठीक, सॉरी, यहां पे क्राइटेरिया हमने वन सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है, ये मैक्सिमम आ गया, ठीक है। तो पूजा और मुजफ्फरपुर में दोनों मिला के जो मैक्सिमम था वो लिया सर, एक बार फिल्टर की दो सर। या फिल्टर करके नहीं समझा उसने क्या किया, इसने क्या किया यहां पे, इसने फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद इसने यहां से पूजा को सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहां से MUZ को सिलेक्ट किया, ठीक है, अब फिर उसका इसका मैक्सिमम क्या मैक्सिमम हो? निकाल लिया, ठीक है।
ओके अच्छा पूछो, और मुझ का जो दोनों का मैक्सिमम वो निकाला। ठीक है तो आपने यहां पे सीखा सम, काउंट, मैथ्स के फॉर्मूले, एवरेज, ठीक चार सीखे। करेक्ट। अब अगला आता है डेटाबेस समराइजेशन के फॉर्मूले, कुछ इसी से मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा नीचे मैं करता हूं, एक सेकंड सर, तो अब बात आती है डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर्मूले। तो डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर्मूले में क्या है, जैसे कि यहां मान लीजिए कि मुझे एक साथ कई कई सारे कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस की टोटल लेनी है। मान लीजिए जैसे कि मुझे पूजा का टोटल चाहिए जिसकी एमआरपी ग्रेटर देन 50, ठीक है। मान लीजिए मुझे यहां पे जीजीएन का सेल चाहिए जिसकी क्वांटिटी लेस देन 60 है। मान लीजिए मुझे यहां पे देव का टोटल चाहिए जिसका एरिया उदयपुर है। ऐसे बहुत सारे कंडीशन है। तो ये सामिफ का फॉर्मूला आपने लगाया, ये सामिफ का फॉर्मूला यहां पे वर्क अच्छे तरीके से नहीं करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि आपको वन बाय वन सामिफ लगाना पड़ेगा। कल के डेट में कंडीशन क्राइटेरिया चेंज होगा तो फिर आपको फिर फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट। तो मुझे यहां पे मान लीजिए टोटल चाहिए, तो सम इफ की जगह पे मैं यहां पे लगाऊंगा डी सम का फॉर्मूला। इसको बोलते हैं हम लोग डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला, और इसका लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है हर फॉर्मूला। ये नॉर्मल एक्सेल भी होगा या इसमें सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है डेटाबेस, जो आपका डेटाबेस है उसको सिलेक्ट करना है, राइट। हाँ इस कॉलम का आपका टोटल करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, फिर अपना क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लीजिए। और क्राइटेरिया जैसे मैंने दिया ना सर, इसी तरह से होना चाहिए। विथ रेंज, ठीक है। ठीक। क्राइटेरिया में भी रेंज ले लिया, सब में भी रेंज लिया। और यहां पे आ गया ओके 253 है। तो अगर ये पूरे का आ गया ना सर के ये सब। सबके 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 इसने क्या किया, देखिए इसने क्या किया, इसका प्रोसीजर समझ लीजिए। ये सबसे पहले पूजा का टोटल किया, पूजा का टोटल लिया, फिर इसमें इसने एमआरपी में ग्रेटर देन 50 लिया। अब इसका टोटल ले लिया, इसने इसका जो टोटल है ना सर, इसका टोटल लेके एक जगह पर रख लिया। हाँ ठीक है। फिर वापस दूसरा जीजीएन को रिटर्न 60, फिर उसका टोटल लेके एक जगह पर रख लिया। फिर देव उदयपुर, फिर उसका टोटल रख के एक जगह रख लिया। फिर अच्छा तीन, ओके तो ठीक है इतने सारे कंडीशन का रिजल्ट 3538 है। जी। तो डी सम आ गया। ऐसे आप डी एवरेज लगा सकते हो। डी एवरेज लगाने का तरीका डी वाले जितने फॉर्मूला है ना डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट, सबका सेम है। कि आपने क्राइटेरिया, अपने क्राइटेरिया सेलेक्ट कीजिए, फिर सेलेक्ट कीजिए अपना कॉलम, किस कॉलम का से एमआरपी का टोटल चाहिए, देन अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट करिए। ये आपका डी एवरेज आ गया।
ऐसे आप डी मैक्स निकालना चाहते हैं तो डी मैक्स, डी मीन, ऐसे मैक्स इफ, मिन इफ निकाल सकते हैं। तो डी मैक्स लगाने का तरीका बिल्कुल सेम। फिल मान लीजिए मुझे मैक्सिमम चाहिए क्वांटिटी की और यहां पे क्राइटेरिया, सेम तरीके से लगेगा। तो आप जाइएगा यहां एफएक्स में जाइए और यहां से चूज कीजिए डेटाबेस, दिख रहा है सर? ये सारे देख फॉर्मूले लगाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है, एक जैसे ही लगते हैं, तो एक देख लीजिएगा, ठीक है सर? ठीक क्लियर क्लियर। है। अब हमने यहां पे हमने क्या किया, डेटा इसका सम फॉर्मूला, सम इफ के सम फॉर्मूले ले लिए, इसके बाद में डेटाबेस फॉर्मूले कर लिए। अब अगला जो बात आती है वो बात आती है कुछ स्टैटिकल फॉर्मूले हैं जो आप एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने अभी मैक्स का फॉर्मूला तो लगाया, मैक्सिमम वैल्यू निकाल देते हैं, लेकिन मान लीजिए कि मुझे यहां पे टॉप फाइव फाइव चाहिए कि 1 2 3 4 5 कि पहला हाईएस्ट वैल्यू क्या है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, करेक्ट। तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा लार्ज का। किसका लगेगा? लार्ज। लार्ज हम सेलेक्ट करेंगे अपने डेटा को और फिर सेलेक्ट करेंगे के, मतलब कि जो नंबर्स है उसको, ठीक है? और देखिए 540 सबसे हाईएस्ट है, उससे छोटा 230, 220, 90, 90। अब जो देखिए वैल्यू रिपीट होगा ना सर, तो यहां हाँ रिपीट आएगा, समझे? अगर वैल्यू रिपीट होगा तो दो बार आ गए, चार पांच। हाँ, तो होता है क्या, जैसे मान लीजिए कि एक बैच में है, एक बैच है मान लीजिए, और उस बैच के अंदर ये मान लीजिए एक स्कूल है, उसमें आपने देखा कि भाई 500 बच्चे या 1000 बच्चे ने एग्जाम दिया और दो का 90% आया है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप आपको मान लीजिए टॉप टू में होगा तो भाई पहले वाले 90 लेंगे फिर दूसरा 98 ले लेंगे, दोनों लेना पड़ेगा ना। करेक्ट। तो उसी तरीके से यहां पे है, तो लार्ज फॉर्मूला यहां पे आता है। फिर यहां पे आता है आपका स्मॉल, मिनिमम के लिए स्मॉल, इसको सेलेक्ट किया कॉमा, इन नंबर सेलेक्ट कर दीजिए और यहां पे नीचे ड्रैग कर दीजिए तो आपको यहां पे आ जाएगा। तो 10 है तो 10 ही आया, मैं 9 करता हूं तो 9 आ जाएगा, 8 करूंगा तो 8 आ जाएगा, 7 करूंगा 7 आ जाएगा। नहीं, बट इसमें तो असेंडिंग ऑर्डर में है ना सर, 1 2 3 4 5 करके, उसमें तो तो मिनिमम है ना सर, वैल्यू जाता है ना, ये तो सीक्वेंस है। तो सबसे सबसे कम 6, सबसे छोटा 6 छठा है, फिर उससे बड़ा 7 है, उससे बड़ा 8 है, उससे बड़ा 9 है, फिर 10 है। अगर मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पे 7.5 कर दूंगा तो यहाँ पे 7 और 7.5 है। ये असेंड, ये आपका डिसेंडिंग हो गया, ये आपका असेंडिंग हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया ना। जैसे कि मान लीजिए ना कि सबसे ज्यादा किसने सेल किया 540, दूसरे पोजीशन पे 230 वाला है, दूसरे पे 220 वाला है, राइट? उसी तरह से करेक्ट। अगर नीचे से बनेंगे कि भाई सबसे कम कौन सा सेल, कौन किस सेल किया, 6 वाला किया, 6 वाला कौन सा है, ये रहा पूजा ने किया है जयपुर नॉर्थ में, उससे बड़ा कौन किया है, तो उससे बड़ा ये किया है पूजा शर्मा पुणे साउथ में, उससे बड़ा किसने किया है, तो उससे बड़ा 7.5 ये आपका A3 कानपुर में भी किया है, उससे बड़ा कौन किया है, तो उससे बड़ा 9 वाला किया है, तो हाईएस्ट में आता है। अब कोई आके बोलता है कि मेरा 77 सेल हुआ है, मेरा रैंक बताइए, मतलब कि इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग मेरा रैंक क्या आएगा। तो मेरे पास रैंक था तो मैं नंबर निकाल लिया, घटते बढ़ते दोनों में मेरे पास रैंक है, तो मुझे मुझे पास नंबर है, इसका रैंक निकालना है घटते बढ़ते में। नीचे से 1 2 3 होगा तो क्या आएगा, क्या रैंक आएगा, रैंक का ऊपर से फॉर्मूला लगा आएगा, देंगे, रैंक क्या बोला है? का फॉर्मूला लगा देंगे तो 77 का पोजीशन आ हाँ, जाएगा। इसमें रैंक का फॉर्मूला आपको लगाना है, रैंक रैंक में किस नंबर का, और फिर आपका रेफरेंस देना होगा और यहाँ पे देना होगा कि आपको 100 डिसेंडिंग चाहिए असेंडिंग चाहिए। अगर आपने असेंडिंग किया तो ये बताएगा कि आपका 681 नंबर है, अगर आपने डिसेंडिंग किया या 0 यहाँ पे दे दिया तो ये आपको बताएगा 118 नंबर है, ठीक है सर? ठीक है।
रैंक समझ में आ गया नहीं विदाउट इसमें? नहीं ओके तो हमने यहां पे जो फॉर्मूला कैटेगरी पढ़ना था वो पढ़ लिया, ठीक है। अब बात आती है कुछ क्वेश्चंस करने की, तो हम आपको एक क्वेश्चंस यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिखा रहे हैं, कुछ मैं सॉल्व करके दूंगा, कुछ आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पता चलेगा कि सामिफ को आपने कितना किया। ठीक है, ये अभी वाला जो एक्सेल सीट था वो भी भेज दिया सर। जी हाँ, मैंने इसको अलग कर रखा है इसलिए। ये अलग आ गया, माफ कीजिए दूसरा आ गया। तो सबसे पहले यहां पर समझिए कि मेरे पास जो डेटा है डाटा सब्री, मेरे पास एक डेटा है सर, मुझे मान लीजिए कि इसमें से मुझे जैन, यहां पे डेट है मंथ नहीं है सर, मुझे यहां पे जैन का टोटल निकालना है, जैन का टोटल, मुझे जैन का टोटल निकालना है। कैसे निकलेंगे टोटल, क्योंकि यहां तो मंथ वाइज है, तो क्या मुझे इसको मंथ में ऐड करना पड़ेगा? डेटा में मैं कोई चेंज नहीं करना चाहता हूं। जैन का टोटल निकालना है तो सब तो जैन ही है तो टोटल निकाल देंगे। नहीं सर, जैन में फरवरी भी है ना, मार्च भी है ना, ठीक है, तो मुझे यहां पे बनाना पड़ेगा महीना। यहां पे वन, यहां पे क्या करना पड़ेंगे, यहां पे लिखूंगा वन डैश, यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा लिख दीजिए, वन डैश एन परसेंट पे जैन, फिर एन परसेंट में डैश 2021 है जो भी ईयर है आपका, और इसमें मुझे लग रहा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, माफ कीजिएगा। हाँ आ गया सर, वन जैन बना दिया डेट कॉन्केट करके, तो वन जैन तो था ही, मतलब पहले जैन था यहाँ पे, वन जैन कहाँ पे था? ठीक है, छोड़िए ना इसको मत दीजिए, डेटा है। अच्छा मुझे यहाँ पे जैन लिखा, मुझे यहाँ पे इसका टोटल चाहिए, फाइव लिखू था, फाइव का टोटल चाहिए, ओके ठीक है। तो यहां हमने क्या किया, कॉन्केटेनेट से डेट बना दिया, जैन सिर्फ जैन लिखा होगा उससे हमने पूरा एक डेट तैयार कर दिया। फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है ईओ मंथ का, ईओ मंथ में हमने क्या किया, स्टार्ट डेट डाला और यहाँ पे जीरो डाल दिया, तो इस महीने की लास्ट डेट दे दिया इसमें, करेक्ट, तो महीने की फर्स्ट डेट और लास्ट डेट दोनों पता चल गया। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे करूंगा सम इफ का फॉर्मूला, कि सम इफ, और मैंने बोला कि भाई मुझे क्वांटिटी का टोटल करना है, क्राइटेरिया वन ए रहा और क्राइटेरिया ए है ग्रेटर देन इक्वल टू, और कॉन्केट कर दिया फर्स्ट जैन, दिख रहा है सर आपको, फिर कॉमा, वापस हमने डेट को सिलेक्ट किया और इसमें दिया कि लेस देन इक्वल टू, और इसमें एन परसेंट कर दिया हमने मंथ को, कर दिया सर, कर दिया। तो यहां पे टोटल आ गया 5818। अब मैं यहां पे फैब लिखूं तो फैब का टोटल, मार्च लिखूं तो मार्च का टोटल, अप्रैल लिखूं तो अप्रैल का टोटल आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, इसका टोटल आ जाएगा, क्लियर है, ये क्लियर है। अगर आपको अब इसी इसी तर्ज पे हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको अभी करके देना है, ठीक है। देखिए डेटा समझ लीजिए, डेटा क्या है,
डेटा आपका नेम है, सिटी है, क्वांटिटी एमआरपी और डेट है। मुझे यहां पे क्वांटिटी का टोटल और एमआरपी का एवरेज चाहिए। तो इसमें मैं यहां पे नेम, सिटी और यहां ईयर लिखूंगा तो उसकी मंथली क्वांटिटी का टोटल एमआरपी का एवरेज चाहिए। ऐसे में यहां पे ईयर लिखूं और मैं बोलूं कि जनवरी से मई, इससे यहां तक टोटल यहां पे सिटी वाइज आना चाहिए। ऐसे में ईयर लिखूं तो इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट आनी चाहिए, और ऐसे में ईयर लिखूं, मंथ लिखूं और तो इसकी वीकली रिपोर्ट आनी चाहिए। ठीक है, इस सब में आपको सम इज और एवरेज का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको पैटर्न तैयार करना पड़ेगा। समझ गए? समझ गए। कोई डाउट? नहीं, कोशिश करूंगा बताने। हाँ, क्योंकि ऑफिस में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे ना सर, और ये जो क्वेश्चन दिया हूँ ये एएमयू के क्वेश्चंस थे, एक बहुत अच्छी कंपनी का। तो और इसमें आपको अगर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं ना, तो समझिए कि आप सभी फॉर्मूले के चैंपियन हो गए, और सभी फॉर्मूले के चैंपियन हो गए तो आपकी पिवट पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, वरना ये सब चीज करने के लिए आपको पिवट का यूज करना पड़ेगा। इमेल आईडी है आपको सर, राकेश कुमार? आपको जो है ईमेल पे इस पे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो आपका एक फॉर्मूले की क्लास और रह गई है, उसके बाद हमारा फॉर्मूला सीक्वेंस फॉर्मूला खत्म हो जाएगा, फिर हम एडवांस फॉर्मूले और एरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है सर, अभी दोनों फाइल अटैच कर दीजिए सर। जी अच्छा, वही कर रहा हूँ। अच्छा, पहले की क्लास में सर आपने बताया था कि कैसे कैसे बड़े बड़े फॉर्मूले को हम लोग मतलब साथ में क्लब करके बड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने बताया था कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट 100 है, उसके ऊपर रिटेल वाला ने लिया, होलसेल प्राइस लगा, तो वो करके आपने बड़ा फॉर्मूला बना दिया। हाँ, फॉर्मूला मर्जिंग था। ठीक है, अब मान लीजिए कोई फॉर्मूला ऑलरेडी है जो मर्ज है, ठीक है, अब मुझे उसको समझना है रिवर्स में, तो उसका कैसा तोड़ है, कुछ है क्या उसका? कुछ एवलेट फॉर्मूला एवलेट है ना सर, एवरेज फॉर्मूला, एवलेट फॉर्मूला, एवलेट फॉर्मूला, इवेलुएट फॉर्मूला। एक मिनट, एफ 2020 में है कॉपी पाथ, एक मिनट बताता हूँ। क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया, लेकिन वो सिर्फ मुझे समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि मेरा ये फॉर्मूला है, ये दिख रहा है ना सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला, दिख रहा है आपको? हाँ, मुझे इसको समझ में आ रहा है। दो तीन फॉर्मूला है इसके अंदर। फिलहाल एक समझ लीजिए, इसमें दो फॉर्मूला है ना, सब्स्टिट्यूट और फिल्टर दो फॉर्मूला है। करेक्ट, तो इसको जाइए आप इसमें फॉर्मूला बार के अंदर एवलेट फॉर्मूला में, यहाँ आपको एक ही के स्टेप करके समझाएगा कि फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसको समझने के लिए वो फॉर्मूला पहले से आना चाहिए कि फिल्टर फॉर्मूला क्या करता है, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला क्या करता है, पता चला सब नहीं। ठीक है, एक चीज वाली मुझे और बता दीजिए, जब पीवट लेते हैं और पीवट के अंदर बहुत सारा फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है,